साथियों, आइए देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में जन्मे सभी हिंदी के कवि जो हैं उनका जन्म कहां पर हुआ था। आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता है, तो आइए देखते हैं ट्रिक के माध्यम से इसको हम सीखेंगे और याद करेंगे। तो सबसे पहला है, महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश में कहां पर हुआ था, आपके फर्रुखाबाद में। कहां पर? फर्रुखाबाद में। तो इसमें एक शब्द है फर्रुखा में, क्या शब्द है? फराक। फर्रुखा में क्या शब्द है? फराक। तो फर्रुखाबाद में एक शब्द है फराक। तो फराक कौन पहनता था? महादेवी वर्मा जब बच्ची थी तो फराक पहन के घूमती थी। इस तरह से आप याद कर सकते हैं, ठीक है? तो ये आपका हो जाएगा फराक, ठीक है? सिंपल है, दिल पर नहीं लेना है, केवल याद करने से मतलब है, कैसे भी याद होना चाहिए। अगला है, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म उत्तर प्रदेश में कहां पर हुआ था, आपके रायबरेली में। कहां पर? रायबरेली में। तो इसमें मलिक मोहम्मद जायसी, तो इसमें एक शब्द आ रहा है, आप देख रहे होंगे, मलिक माने मालिक, मालिक। तो मालिक की हमेशा राय को मानना चाहिए, बात को उसके मानना चाहिए कि क्या कहता है मालिक, ठीक है? बात समझ में आई? मालिक से मलिक मोहम्मद जायसी, राय से रायबरेली, याद हो जाएगा, सिंपल है। साथियों, मैथिली शरण गुप्त, तो मैथिली शरण गुप्त का जन्म आपके जे गांव झांसी में हुआ था। तो इसमें शब्द है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है शरण, मतलब कि शरण लेना, मतलब बसना, रहना वहां पर। कहाँ पर जाके बसा हुआ है? कहाँ पर लिया शरण? गाँव में लिया है। तो ऐसा गाँव है जो कि झांसी, मतलब की झाड़ी में बना हुआ है ये आपका गांव, ठीक है? तो मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरगांव के झांसी में हुआ था, सिंपल है। इसके बाद है साथियों आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म दौलतपुर रायबरेली में हुआ था। तो महावीर क्या है? महावीर हैं और प्रसाद बांटते हैं अपने गांव में, क्योंकि इनके पास क्या है? दौलत है। क्या है? दौलत है। प्रसाद बांटते हैं सबको, इनको उनको, तो क्या इनके पास? दौलत है। और ये महावीर हैं तो राय बरेली, अच्छा राय इनकी है, ठीक है, काम करना चाहिए ऐसा। अगला है अयोध्या सिंह उपाध्याय। अयोध्या सिंह उपाध्याय का जन्म निजामाबाद आजमगढ़ में हुआ था। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय, अयोध्या मंदिर आप जानते होंगे, यहाँ पर लिखा है निजामाबाद, थोड़ा सा लग रहा है ना, दोनों में 36 का आंकड़ा आपको दिख रहा होगा ये नाम में, ठीक है? तो उससे थोड़ा सा डिनोट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इसके बाद है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहां पर हुआ था? बलिया में। इसमें लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, और इसमें शब्द है बलिया में, क्या? बालियां, मतलब कि कान की जो बाली होती है उसी की बात कहता है। कितनी है? हजार है। कोई लड़की है उसके पास हजारों बालियाँ हैं कान की, कितनी बालियां हैं? हजारों। इस तरह से बैठाना है, आपको याद हो जाएगा। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म आपके बलिया में हुआ था, उत्तर प्रदेश के। इसके बाद है कबीर दास का जन्म आपके वाराणसी में हुआ था। जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी में हुआ था। रैदास जी का जन्म आपके काशी में, मतलब कि वही वाराणसी में ही पड़ता है काशी, ठीक है? तो तीनों लोग का जन्म आपके काशी वाराणसी में हुआ है। तो कबीर दास, जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी में हुआ है। आप थोड़ा सा शंकर भगवान से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर, तो शंकर भगवान का मंदिर वाराणसी में है, ठीक है? कबीरदास, कबीरदास क्या है? कबीरदास वाराणसी से, बहुत ही आसान है, आपको याद हो जाएगा। इसके बाद रैदास, योद्धास हैं, योद्धास हैं, ये शंकर भगवान के दास हैं, तो इनका जन्म भी काशी में हुआ था। ऐसे बैठाएंगे तो बैठ जाएगा, सिंपल है, एक बार दो बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, बड़ी बात नहीं है। आगे देखेंगे इधर का। अब यहाँ पर आपके मुंशी प्रेमचंद्र, मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म आपके लम्ही में हुआ था। तो इसमें शब्द है प्रेम, तो प्रेम क्या होता है? लम्हा होता है, लम्हा प्यार करता है, ठीक है? तो लम्हा से लम्ही, ठीक है? थोड़ा सा बैठाएंगे आपको याद हो जाएगा ट्रिक से। आगे है राहुल संस्कृत्यायन का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुआ था? आपके आजमगढ़ में। कहाँ पर? आजमगढ़ में। तो अब क्वेश्चन पूछता है कि राहुल संस्कृत्यायन विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो गोरखपुर में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, मेरे एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था। लेकिन इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि राहुल संस्कृत्यायन का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो आपके आजमगढ़ में, ठीक है? तो राहुल आजा, राहुल आजा,
राहुल आजा, राहुल क्रिकेट जो खेलता है उसे बुलाया जाता है, राहुल आजा बैटिंग कर ले भाई। आगे है विद्या निवास मिश्रा, इनका जन्म गोरखपुर में हुआ था। विद्या निवास मिश्रा का जन्म गोरखपुर में हुआ था, ठीक है, सिंपल है, एक दो बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। इसके बाद नया लाल मिश्र प्रभाकर, इनका जन्म सहारनपुर में हुआ है। कहाँ पर? यूपी के सहारनपुर में। तो कन्हैया लाल मिश्र, तो कन्हैया भगवान कृष्ण की बात कहता है, वो क्या करते हैं सबको क्या करते हैं सहारा देते हैं, सहारा से सहारनपुर। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का जन्म सहारनपुर में हुआ है। आगे है सूरदास का जन्म रुनकता में हुआ है। कहाँ पर? रुनकता, ठीक है, रुनकता। तो सूरदास रुनकता, बहुत सिंपल है, बहुत लोगों का लगभग 90% बच्चों को याद ही रहता है, इसका ट्रिक बताने की जरूरत नहीं है, आप भी याद कर लेंगे। आगे है तुलसीदास का जन्म बांदा के राजापुर गांव में हुआ है। कहाँ पर? बांदा के राजापुर गांव में। कोई कोई कासगंज भी बताता है, लेकिन आपके एग्जाम में ही क्वेश्चन दिखेगा तो बांदा ही आंसर सही होगा, ठीक है। ऑप्शन में नहीं रहता तो कासगंज लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑप्शन में पक्का यही अब देता है। आगे है महाकवि भूषण का जन्म आपके कानपुर में। कहाँ पर? कानपुर में। तो इसमें लिखा है भूषण, क्या लिखा है? भूषण, मतलब आभूषण कह सकते हैं एक तरह से। तो आभूषण कहाँ पहनते हैं? कान में पहनते हैं, तो कह सकते हैं महाकवि भूषण का जन्म आपके कानपुर में हुआ है। इसके बाद है हरिवंश राय बच्चन, अंता बच्चन जी के पापा जी है। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ पर हुआ है? आपके प्रयागराज में, सिंपल है, सब जानते हैं। ये है आपके उत्तर प्रदेश के कवियों के जन्म स्थान। कुछ और बचे हैं, बताते हैं, दो चार और हैं। आइए साथियों आगे देखते हैं बिहारी लाल का जन्म कहाँ पर हुआ था? ग्वालियर में, एमपी में। कहाँ पर? ग्वालियर आपके एमपी में पड़ता है, वहाँ पर जन्म होता है बिहारी लाल का। तो इसमें शब्द है बिहारी, इसमें है एमपी, दोनों यूपी से नहीं है, दिख रहा है आपको, रिलेटेड नहीं है, तो कह सकते हैं बिहारी लाल का जन्म ग्वालियर एमपी में। सिंपल है, आसानी से याद हो जाता है। आगे है लल्लू लाल, लल्लू लाल का जन्म कहाँ पर है? आगरा में। कहाँ पर? आगरा में इनका जन्म हुआ था, आगरा में। तो लल्लू, लल्लू सा सचिन नहीं है, क्या है? लल्लू लाल है, इनका जन्म आगरा में। तो आगरा बड़ा अच्छा लगता है देखने में, लल्लू सा नहीं है, थोड़ा सा बैठाएंगे याद हो जाएगा। इसके बाद है बृंद लाल वर्मा, इनका जन्म होता है झांसी में। कहाँ पर? झांसी में, तो झांसी, बृंदलाल वर्मा। इसके बाद है वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म आपके मेरठ में हुआ था। सुमित्रानंद पंथ, सुमित्रानंद पंथ का जन्म कोसनी बागेश्वर उत्तराखंड में, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उत्तराखंड में हुआ था। कहाँ पर? उत्तराखंड में, कोसनी बागेश्वर उत्तराखंड। आगे है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कहाँ पर हुआ था? आपके मोदी नीरपुर में, पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में हुआ था। तो इसमें शब्द है निराला, निराला कौन है जानते हैं? मोदी जी बहुत ही निराले आदमी हैं, तो कह सकते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म मोदी नीरपुर जो पश्चिम बंगाल में हुआ था। तो ट्रिक्स बताए हैं, थोड़ा सा आपको आसानी से याद हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, एक दो बार पढ़ेंगे आपको ऐसे भी याद हो जाएगा। जिनको नहीं याद होता है, भूल जाता है, उनके लिए थोड़ी सी ट्रिक रहती है तो आसानी से समझ में आता है, भूलता नहीं। एग्जाम में जब देखते हैं चार ऑप्शन, दिमाग लग जाता है कि हाँ यही क्वेश्चन सही है, इसके लिए बताएं। थैंक यू, देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।